नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्यूटी न्यूज़ और आपके साथ मैं हैं अनुराग सर। ड्यूटी न्यूज़ में हम बात करेंगे कुछ होनहार स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने गुज़िश्ता 9th एंट्रेंस में अपना परफॉर्मेंस कुछ इस तरह दिखाया कि मिसाल बन गए। उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, नूर फातिमा। नूर फातिमा, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने 9th एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है। बेटा, 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपने कहाँ से की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सेल्फ स्टडी, ठीक है बेटा। आपके 9th एंट्रेंस रिटन एग्जाम में कितने मार्क्स रहे थे, उसके बारे में बताओ। 60। किस सब्जेक्ट में आपने ज्यादा मेहनत करी थी कि आपका 68 मार्क्स आया? मैथमेटिक्स। बेटा, आपका फ्यूचर गोल क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दिए। यूपीएससी, इंशाल्लाह आप क्वालिफाई करोगे। बेटा, ड्यूटी सोसाइटी में रहकर आपने जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, तो उस टेस्ट सीरीज से आपको क्या फायदा मिला था, उसके बारे में थोड़ा सा बता दिए। बेटा, आपका 9th एंट्रेंस में क्वालिफिकेशन हो गया, अब आपके घर वाले जो है वो खुश हैं और ड्यूटी सोसाइटी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद क्या खुश हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर, मेरे पेरेंट्स को लगता है कि कोचिंग्स तो और भी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हमारा ड्यूटी सोसाइटी में जो मेहनत मिलता है वो जो अच्छे से टेस्ट सीरीज दे पाते हैं सर, कुछ सिस्टम भी है, बेटर एनवायरमेंट सर। बेटा, आपके हिसाब से जो है वो किसी भी स्टूडेंट को कितने आवर्स जो है वो सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? 7 to 8 आवर्स। बेटा, जो बच्चे आगे 9th एंट्रेंस 6th एंट्रेंस देने वाले हैं उनके लिए कुछ आप सजेशन देना चाहो तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप दे सकते हो। सर, जितने भी बच्चे हैं उनको नूर फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं आपको और आपके घर वालों को एक बार फिर ड्यूटी सोसाइटी की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो है 9th एंट्रेंस क्वालिफाई किया और घर वालों का और अपना नाम रोशन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आगे और स्टूडेंट्स के साथ मैं